नमस्कार, मैं हूं भूपेश प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज। दिल्ली में बाबा का ढाबा फेमस हो चुका है, मशहूर हो चुका है, क्योंकि बाबा के उस दर्द को किसी नेक दिल इंसान ने सोशल मीडिया पे दिखाया और शेयर कर दिया, लोगों के शेयर मिले और दिल्ली के जो लोग हैं अब लगातार बाबा के यहाँ पहुँच रहे हैं, उस ढाबे पर पहुँच रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, ऐसे बाबा के ढाबे हर शहर में, हर कस्बे में हैं और ऐसी ही दादी की रसोई हर शहर में है, हर कस्बे में है। आज हम आपको एक ऐसी ही रसोई दिखाएंगे दादी की, जो कि जैसे बाबा का ढाबा था वहाँ बाबा रोए थे और वहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये जो दादी की रसोई है, यहाँ पर जब वो खाना बनाती थी लेकिन उस खाने को खाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता था। आपको तस्वीरों में पहले आप एक बार देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। ये एक दादी की रसोई है जो यहाँ पर सब्जी बनाती थी, पूड़ी बनाती थी, पराठे बनाती थी, लेकिन लोग आते थे क्योंकि यहाँ पर आने पर अपनी तौहीन समझते थे, छोटी जगह है, यहाँ पर क्यों आएंगे और क्यों खाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता थी कि दादी कोई बैंक बैलेंस भरने के लिए यहाँ पर खाना नहीं बनाती थी, खाना नहीं बेचती थी, कोई धन्ना सेठ बनने के लिए नहीं करती थी, वो केवल अपने परिवार का पेट पालती थी, सुबह कमाती थी और शाम को घर लेके जाती थी कि उनके जो पोते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो खाएंगे। ये चूल्हा भी एक बार देख लीजिए, इसमें आग जलती थी, यहाँ पर सब्जी बनती थी, लेकिन आग आप लोग यहाँ पर खाने के लिए नहीं आए, इस वजह से ये जो चूल्हा है वो ठंडा पड़ गया है, इसकी आग ख़त्म हो चुकी है। जो दादी यहाँ पर खाना बनाती थी अब वो मजदूरी कर रही हैं। कारण है क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है। अच्छा कोई होटल होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा, अच्छी लाइटिंग होगी वहाँ पर, उसका नाम होगा, लोग गाड़ियों से जाएंगे, पूरी फैमिली के साथ जाएंगे और वहाँ खाना खाएंगे। लेकिन जब ऐसी जगह पर लोग नहीं आते हैं तो दुख होता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि ये लोग जो पैसा कमाते हैं ना, ये बैंक बैलेंस नहीं बनाते हैं, ये केवल इसलिए कमाते हैं कि शाम को इनके परिवार को खाना खाना है और वहाँ पर हम नहीं जाते हैं, एक बार देखते हैं और यहाँ से आगे निकल जाते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और आगे तक पहुँचे, जैसे बाबा के ढाबे को शेयर किया ना आपने और वहाँ पर बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपको मैं दादी से भी मिलाऊँगा, दादी की रसोई है ये। अगर आप चाहते हैं कि दादी की रसोई दोबारा से शुरू हो और यहाँ पे फिर से चूल्हा जले, रोटी बने, लोग आए, तो आपको ये वीडियो आगे शेयर करनी होगी। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि वो दिल्ली थी तो लोगों ने शेयर किया, लोग दिल्ली वाले जो होते हैं, दिल वाले होते हैं, वो वहाँ पर पहुँचे और बाबा के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अब आपको दादी के चेहरे पर भी मुस्कान लानी है। जो दादी खेतों में जाती है, मजदूरी कर रही हैं, कहीं पर बाजरा काट रही हैं, धान पे काम कर रही हैं, 70 साल की उम्र है उस दादी की, यहाँ पर खाना बनाती थी, कम से कम अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। आप वीडियो शेयर कीजिए, मैं दादी से आपको मिलवाता हूँ अभी, लेकिन ये वीडियो जरूर शेयर होना चाहिए क्योंकि दादी की रसोई को हम लोगों को दोबारा से शुरू कराना है। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आपको अभी हम दादी से मिलवाएंगे और दादी का दर्द बताएंगे कि आखिर किस वजह से दादी ने अपनी इस दादी की रसोई को बंद कर दिया। तो अब हम दादी की रसोई चलाने वाली दादी से ही पता करते हैं कि आखिर उनके जो चूल्हा था वो कैसे ठंडा पड़ा, आखिर कैसे उनकी जो रसोई है ये बंद हो गई। दादी आप कब से यहाँ पर खाना बनाती थी? यहाँ पर कम से कम हो गए 20-25 साल बनाते ना, दुकानदारी कुछ ना हो भाई, देख कर चले जावे खाने को, हाँ जी कुछ ना है यहाँ पे। क्या कैसे चले जाते थे लोग, मतलब देख कर चले जावे, छोटा सा होटल है जो देख कर चले ना, कहाँ मिलेगा खाना, नहीं मिलेगा ना, अपना सादा बनावे सादा खावे, 1,000-2,000 रुपये लगावे, शाम को बच जाते देखे जा 200 रुपये ले आ रही है, 500 रुपये ले आ रही है, लागत भी उठती ना आवे लौट कर नहीं। अच्छा, हाँ लागत भी उठती ना आवे तो अपना फिर बंद करना मुश्किल होगा, बंद करना पड़ो फिर तो कोई ग्राहक लागत लगे, 2,000 की मिले ना, 500 रुपये ली तो जलाने से का फायदा। देख देखो कोई गरीब आदमी आवे, मजदूर टम्पो वाले वो कोई आ जावे खाने के लिए, न कोई भी ना आवे खाने के लिए, बालक हैं छोटे छोटे बालक, मजदूरी कम है, हम मजदूरी ना चला तो मजदूरी पर जान लगे अपना,
150 रुपये रोजिना की मिले हैं। सुबह जामे 8 बजे, शाम को 9 बजे 8 बजे घर में आते हैं, वर्क घर में आ जाए रात को 12 बजे। तो जब बोलो तो पेट को ना मिले तो कहीं तो कुछ तो करें, घर का मंडाइए ना, घर पर होगा तो बात सही है, अपना घर है दिलो जी, घर में जाकर अपना। आपके पास अपना घर भी नहीं है? ना, अपना वहाँ घर भी नहीं है बिल्कुल भी। हम तो वैसे फ्री में रहे, मैं दूसरे की जगह में रखवारी करने के लिए, उन्हें रखवारी को छोड़ रहा था ना, किराया लेवे ना कुछ लेवे, मेरी जगह रखाते रहेंगे या तो कोई कब्जा ना करेगा, तुम रहे चले आओ, हमें नू रहने के जिया ले रहती है जगह। क्या क्या बनाती थी आप यहाँ पर? यहाँ पर दो सब्जी बना भाई, एक दाल बना ले भाई, कभी आलू बैंगन बना ले भाई, कभी आलू टमाटर बना ले भाई, प्याज मिर्च इन्हें रखे या रायता बना ले भाई, शाम तो इन्हें बिके तो शाम को फेंकना मंजूर कर रही थी, आपको कौन खा लेगा बासी सब्जियाँ, तो पता लग जाए ताजी में भाजी में तो पता लग जाए ताजी सब्जी पाते हो, तो जब ना दुकानदारी ना हो गई तब मैं फिर खेत जाने लग गई। बताओ बालक हैं, वो बालक मजबूरी है कि बालक बहू बेटा हैं, छोटे पोती होते हैं तो खाने को ना तो रोंगे बताओ, बीमारी है, अब ऑपरेशन हो रहा आज हैं, तुम बस भीख मांग कर नहीं हमने ऑपरेशन करा, कूड़ा बदला जाएगा, तुम बस मांग को कूड़ा बदला जा रहा हो आज मेरठ में हैं, नींद भी नहीं आती है, कैसे होएगी कैसे ना होगी, बाबू पर छोटे बालक हैं, मंजूरी करते हैं, लौंडा भी मंजूरी करता, हम भी मंजूरी करते हैं, तो होटल ना चला तो मंजूरी पर जान लगे काम पे, 150 रुपये रोजिना मिला बताओ क्या करें, 150 रुपये लेने घर का मंडैया भी ना कुछ भी ना। अब आप चाहती हैं कि दोबारा से इस रसोई जो है आपकी इसे खोलें और लोगों को खाना खिलाएं? ऐसा सही चले तो सही देख हो गए, जब भी तो चले आएंगे, कोई इंटरव्यू देखेंगे तो कौन आ जाएगा, कोई भी ना आता हो खाने के लिए, लोग यहाँ से देख के चले जाते हैं वापस, देखते चले जाएं वापस, मतलब ये समझते हैं कि छोटी जगह है हमें यहाँ का। हाँ, कहा का छोटी जगह, कोई खाने को ना मिलेगा ढंग का, कोई पैसे लग पाए आदमी पैसे वाला हो मैं तो देख के चले जाऊँ, मैंने कहा कुछ ना, कोई मजदूर आदमी हो तो अपना वो आ, मतलब बड़े लोग जो है वो तोहीन समझते हैं ऐसी छोटी जगह। हाँ, छोटे आने में पसंद ना करते हैं। खाना तो आपका अच्छा होता था? खाना, हाँ खाना सही हो गया, हाथ की रोटी बना के दे भाई, हाथ के सब कुछ बनाई। बंद कब हुआ था? बंद कर, बंद तो जो बीमारी चली है ना 4-5 महीना वो आंसू होगा बंद, जब दुकानदारी ना हुई कुछ भी ना चले, बीमारी से मैंने 1-2 महीना पहले बंद कर दिया था, दुकानदारी ना हो गई तो क्या करती ना बताओ, पहले अपना काम पर चले जाए, मैं काम पर नू तो है 150 रुपये रोजिना था, बाल का पेट तो भरेगा, अब नू तो है ना मैं लगा के बैठ जाऊँ, लागत ना आगे उठती फिर के भी 1 रुपया भी, तो क्या करूँ बताओ मजबूरी में। तो अब यहाँ पे अगर लोग आना शुरू कर दें तो आप दोबारा से शुरू कर देंगे रसोई को? हाँ कर दूँगी, कोई कुछ सारा मिल जाएगा। क्योंकि आप मजदूरी में क्या क्या काम करती हैं आप जाके? मजदूरी में गाजर नला में, मिर्चन नला में है ना, और गोभी वोभी कटे ऐसे, गोभी में नलाई अलाई करें, गोभी काटें, मंदू का सौदा काटें, वह करें जाके। नहीं, पूरा परिवार ऐसे ही करता है? सब को ऐसे करें खेती में जाके। नहीं, पहले इसी से घर चल रहा था पूरा जो चला ना, काम पर चले जावे या सुना चले जाओ तो बालक काम पर चले जावे, नहीं करे जाते करते आपको, नहीं करे ये काम को तो अभी हमें क्या होगा, वो तो बालक चाचा बालक है, आज कल पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, बालक पढ़ावे कहाँ से, कहाँ से लावे ट्यूशन ने फिर जाने का है, एक एक सरकारी स्कूल में बैठा हो तो वहाँ में भी पैसा मांगे हैं, पहले 1000 रुपये जमा करो दी, 2000 रुपये जमा करोगे, 1000 रुपये होते सरकारी में कहते थे, मैं बताओ स्कीम भी चली हुई है मोदी जी की, आप मकान की बात करें, मकान नहीं है ना, दिए पैसा ना दिए, कई फिर मैंने फार्म भर दिए, कुछ ना सुनाई करे, कोई मांगे 20,000 दे दोगी, कोई कहे 30,000, तो 20,000 होते तो हम ऐसे ही रहते, तब मकान ना ले कर बना लेते अपने लड़का का, मैं बताओ हैं, पेंशन आवे पेंशन भी कट गई, कम से कम 4-5 साल 3 साल हो गए, 3-4 साल वो विधवा की ना आवे, वो भी कट कूट के अलग हो गई, अभी मैंने भी तो पेंशन बनवाने को दी, 500 रुपये दे दो का 1000 रुपये दे दो, मैंने दो दो करके दे भी दिए 1000-2000, जब भी ना बन दी, जब भी ना आई, तो बताओ क्या करें हम बताओ, जब पाल को पेट ना भरे तो काम पर जाना पड़ेगा, क्या करें। तो देख लीजिए वो दादी थी जो यहाँ पर रसोई चलाती थी और इससे इनके घर का गुजारा होता था, लेकिन जो बड़े लोग हैं गाड़ियों में आते थे यहाँ से सीधा निकल जाते थे, देखते थे क्योंकि ऐसी छोटी जगह पर बैठना वो अपना तोहीन समझते हैं, जहाँ अच्छी लाइटिंग होगी, चाक चौबंद अच्छी होगी, वहाँ लगेगा, लोग पहुँचेंगे वहाँ पर और वहाँ पर खाना खाएंगे, वहाँ पर जाकर ना आप जो उनके अंदर रसोई होती है उस रसोई को कभी चेक नहीं करते हैं कि उनका खाना कैसा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर इनकी जो सब्जी रखी रहती थी उसको देखते थे कि किस तरह से दादी बना रही हैं, तो हर चीज़ को आप यहाँ पर देखते थे, लेकिन इन लोगों के लिए आप एक बात गौर से सुनिए, ये लोग जो करते हैं ना ये अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं, और हम आपसे अपील करते हैं, केवल हम यहाँ की बात नहीं, ये जो
दादी की रसोई है, ये बुलंदशहर के एक छोटे से कस्बे सिकंदराबाद में है, यहाँ पर है। हम अपील करते हैं कि आप दादी की रसोई को अगर शुरू करना चाहते हैं, शुरुआत चाहते हैं कि दादी का जो घर है वो चले और इस उम्र में जा कर के दादी खेतों में काम ना करें, तो आप लोग यहाँ पर आइए और दादी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो दादी की रसोई दोबारा से यहाँ पर गुलजार होगी, लोग आएंगे यहाँ पर खाना खाएंगे और दादी को भी खुशी मिलेगी। अब हम बात करते हैं और भी लोगों की, ऐसे ढाबे ऐसी रसोई आपके शहर में भी होगी, आप भी उन लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए और उन लोगों की मदद कीजिए, उन लोगों के यहाँ पर जाकर कुछ खाइए, क्योंकि बड़े होटलों में हर कोई खाता है, बड़े रेस्टोरेंट में हर कोई खाता है, लेकिन आप लोगों को इन लोगों को ऊपर लेके जाना है जो लोग अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, इसी के सहारे कर रहे हैं, इनके पास दूसरी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे लालन पालन करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि अपने परिवार का जो लोग लालन पालन कर रहे हैं, उनका परिवार का जो पालन पोषण है वो ठीक तरीके से हो, घर का खर्चा चले, तो आप लोग ऐसे लोगों की मदद कीजिए। हमारी ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस दादी की जो रसोई है इसको दोबारा से शुरू करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर आएंगे तो ये दोबारा से यहाँ पर रसोई जो है वो गुलजार होगी, यहाँ पर आपको जो है दाल की भी खुशबू आएगी और देसी घी की जो रोटियाँ बनती हैं उसकी भी खुशबू आएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।